अफगानिस्तान ने रगड़ दिया है भैया नबीबिया को 62 रनों से। 160 रन बनाए थे 5 विकेट गवाकर अफगानिस्तान ने, और 98 रन ही बना पाए नामीबिया वाले 9 विकेट गवाकर अपने 20 ओवरों में। आज मुजीब नहीं खेल पाए, इंजर्ड थे, लगा था झटका लगेगा, बट झटके की जगह पेस का फटका लग गया। आज पहली बार 9 में से 8 विकेटें अफगानिस्तान के पेसरों ने ली हैं। स्पिनर रशीद खान था सिकलोता जिसे 1 विकेट मिली, बाकी 8 विकेटें हामिद हसन जिन्होंने मुजीब को रिप्लेस किया, 3 ज़बरदस्त विकेटें। उनका तो यॉर्कर थी पहली जिस पर शायद इरेज बस गया था, उसे दिखाई भी नहीं दी। स्मिथ आया था उसको बेचारे को उसी ओवर में बाउंसर बॉल पे चलता किया, उसे भी नज़र नहीं आई गेंद, ज़बरदस्त पेस बॉलिंग की। नवीन उल हक भी ज़बरदस्त पेस का मुशायरा करके 3 विकेटें ले गए। असगर अफगान 16 साल बाद आज अलविदा कह दिया उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर को। ज़बरदस्त कप्तान रहे हैं अफगानिस्तान के, 52 मैच, सबसे ज़्यादा T20 मैच जिताने वाले कप्तान हैं। जी हाँ, 42 मैच, टोटल 52 मैचों में से 42 मैच जीते हैं वो, नंबर 1 पर हैं विक्ट्रीज में। 16 साल का ग्लोरियस करियर, आखिरी मैच में भी 31 रन की पारी खेली, इमोशनल हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे, पर क्या वेलकम मिला है। एक एक नामीबिया के प्लेयर ने आके उन्हें विश किया आगे फ्यूचर के लिए, उनसे मिले आकर, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया एक ग्लोरियस करियर के लिए। व्हाट अ प्लेयर, कह रहे थे पिछली हार जो पाकिस्तान से थी वो कुछ दिल पे लग गई थी, और वो चाहते थे वर्ल्ड कप के बीच में यंगस्टर्स को मौका मिले और अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचने का रास्ता तय करे, और मे बी उससे भी आगे जा सके। अभी चल रहा है मैच हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, आज टॉस हार गया इंडिया और पहले बल्लेबाजी करने को कहा विलियमसन ने। ईशान किशन ओपनिंग कर रहे हैं केएल राहुल के साथ। बोल्ट की बॉल पे बड़ी ज़बरदस्त अपील हुई थी बट बच गए आखिरी मौके तक। विलियमसन सोच रहे थे कि रिव्यू ले या ना ले, और सांस अटकी हुई थी भैया हमारे किशन बाबू की। अब देखते हैं हिंदुस्तान आज कितना मैच डालता है और क्या न्यूजीलैंड को फ्यूजीलैंड बनाता है।